होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या जी। 90 के दशक की एक मासूम और बेहतरीन एक्ट्रेस, जिनकी खूबसूरती और मनमोहक मुस्कान देखकर लोग कहते थे, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। इनका ऊंचा लंबा कद और रूप रंग ऐसा था कि ये देखने वालों की आंखों में बस जाया करती थी। आंखों में बसे हो तुम दिल में छुपा लूंगा, आंखों में बसे हो तुम। इनकी कजरारी आंखें और पर्सनालिटी को देखकर दर्शक अपना दिल थाम लिया करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर इनके प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि सरेआम इन्हें किडनैप करने की धमकी तक दे डाली थी। जब से तुम्हें मैंने जाना सनम, मेरी धड़कन में तुम। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने जानलेवा बीमारी कैंसर को मात देकर एक बार फिर करियर में वापसी की और एक मजबूत मिसाल पेश की। और क्या आप मानेंगे कि सुनील शेट्टी जैसे अभिनेता से लेकर राज ठाकरे जैसे नेता भी इनके प्यार में पागल थे, पर इन्होंने इन सब को छोड़कर कबूल किया एक फिल्म निर्माता के प्यार को। मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा वो तुम नहीं हो, और जो नहीं सोचा वही तुम हो। तो कौन थी ये एक्ट्रेस जिन्हें एक फोटोशूट के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और क्या थे इनकी जिंदगी के वो अनजान पहलू जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। जो हाल दिल का इधर हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं उस एक्ट्रेस की जो बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड होने के साथ साथ एक वॉरियर भी मानी गई। इन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर एक बार फिर अपने करियर में वापसी की और हौसले की मिसाल बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनाली बेंद्रे की। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत अभिनेत्रियों ने काम किया, लेकिन 90 के दशक में शायद ही ऐसा कोई रहा होगा जो इस अभिनेत्री का दीवाना ना हुआ हो। कैसे मुखड़े से नजर हटाऊं। हम इनके जीवन की घटनाओं की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन थी सोनाली और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ था। सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जीत बेंद्रे था जो कि सरकारी नौकरी करते थे, और मां का नाम रूपसी बेंद्रे था जो कि एक गृहिणी थी। इनकी बड़ी बहन का नाम रूपा और छोटी बहन का नाम गंधाली था। पिता की ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से इनकी परवरिश अलग अलग शहरों में हुई। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बेंगलुरु के केंद्रीय विद्यालय से पूरी की और अपना ग्रेजुएशन मुंबई के राम नारायण रुइया कॉलेज से पूरा किया। कॉलेज में आने तक सोनाली के मन में एक्टिंग और मॉडलिंग को लेकर कोई ख्याल तक नहीं था। फिर एक बार कॉलेज में स्टार डस्ट टैलेंट सर्च की प्रतियोगिता हुई और इसमें सोनाली ने भी पार्टिसिपेट किया और सेलेक्ट भी हो गई। इसके बाद इन्होंने कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। इनमें से निर्मा साबुन का एड उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ था। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी, तुम सबसे जा। इन्हीं दिनों इन पर नजर पड़ी मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट की, जिन्होंने इनकी खूबसूरती और पर्सनालिटी देखकर इन्हें अपनी फिल्म नाराज में कास्ट किया। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। इस फिल्म में इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री के साथ काम किया। लेकिन इस फिल्म के बनने में थोड़ा समय लग गया, तो इसी बीच इनकी एक और फिल्म रिलीज हो गई आग। इस फिल्म में इन्होंने गोविंदा के साथ काम किया था। इस तरह फिल्म आग सोनाली की डेब्यू फिल्म मानी गई। ये तो मैं नहीं जानती कि ये झूठ बोलकर आपको क्या मिला, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इस झूठ ने मेरा तो सब कुछ लूट लिया।
ये फिल्म तो सफल नहीं हुई, लेकिन सोनाली ने अपनी पहली ही फिल्म से फिल्मफेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसी साल इनकी तीन और फिल्में रिलीज हुईं। ये फिल्में थीं द डॉन, गद्दार और टक्कर। लेकिन अफसोस, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं। इसी साल आई फिल्म बॉम्बे में इनका आइटम नंबर हम्मा हम्मा उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ और बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। इस गाने के बाद इन्होंने अपनी खूबसूरती से इंडस्ट्री के साथ साथ आम लोगों को भी अपना दीवाना बना लिया। यहाँ आपको बता दें कि इनमें से दो फिल्में इन्होंने सुनील शेट्टी के साथ की थीं। फिल्में तो सफल नहीं हुईं, लेकिन इन दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आई। अगले ही साल 1996 में इस जोड़ी की दो और फिल्में रिलीज हुईं, रक्षक और सपूत। और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रहीं। इसी साल अजय देवगन के साथ फिल्म दिल जले में इन्होंने बहुत ही दमदार काम किया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। किसी को भी मैं हाँ में बसा लूं। अगले साल 1997 में इनकी तीन और फिल्में रिलीज हुईं। ये थी भाई, तराजू और कहर। कमाल की बात ये रही कि इनमें भी दो फिल्मों में ये सुनील शेट्टी के ही साथ नजर आईं। मुझे इकरार करने दे, जरा इजहार कर। साल 1998 में इनकी छह फिल्में रिलीज हुईं। इनमें से जख्म और कीमत बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा तो सफल नहीं थीं, पर इनकी खूबसूरती और टैलेंट के कारण ये उन दिनों लगभग हर दूसरी फिल्म में दर्शकों को नजर आ रही थीं। अगले साल 1999 में इनकी चार हिंदी और दो तमिल फिल्में रिलीज हुईं। इनमें से आमिर खान के साथ सरफरोश और सलमान खान के अपोजिट फिल्म हम साथ साथ हैं सुपरहिट रहीं। दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने। फिल्म हम साथ साथ हैं बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन ये फिल्म इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी साथ लाई। इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे विवाद के सेगमेंट में करेंगे। अरे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, चाहे ले जा। इस फिल्म में इन्होंने सलमान खान के अपोजिट काम किया और फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। हम चाहे बंधन में बंधे न बंधे, जज्बात का रिश्ता तो दिल से है ना। इसके अलावा दोनों ने चल मेरे भाई और ढाई अक्षर प्रेम के जैसी फिल्में भी साथ की। हालांकि इन दोनों फिल्मों में इनका गेस्ट अपीयरेंस रहा। दोस्ती के नाते मेरी एक बात सुनो, अगर किसी से प्यार करो तो फौरन उसका इजहार कर दो, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। इसी साल 2000 में इनकी गोविंदा के साथ फिल्म जिस देश में गंगा रहता है और अनिल कपूर के साथ फिल्म हमारा दिल आपके पास से आई। लेकिन गोविंदा जैसे सुपरस्टार के साथ भी इनकी ये फिल्म सफल नहीं हो सकी। इसी के बाद बॉलीवुड फिल्मों में इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और इसी दौरान इनका एक प्रोड्यूसर से झगड़ा भी हो गया, जिसके चलते इन्हें एक नहीं बल्कि तीन फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। ये प्रोड्यूसर थे जम्मू सुगंध, जिन्होंने सोनाली को पहले हम्मा हम्मा सॉन्ग दिया था। उन्होंने सोनाली को अपनी एक फिल्म में साइन किया था, जो फिल्म थी सिस्टम, और इसके लिए सोनाली ने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था। लेकिन जब इस फिल्म की कास्टिंग पूरी हुई और सोनाली को पता चला कि इसमें इनके अपोजिट एक नया हीरो आर्यन वैद लिया जा रहा है, तब सोनाली ने प्रोड्यूसर से कहा कि मुझे स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस चाहिए, क्योंकि मुझे आर्यन का रोल बड़ा लग रहा है, जबकि मैं बड़ी और पुरानी एक्ट्रेस हूँ। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में चेंज करने से इनकार कर दिया और इसके बाद सोनाली ने फिल्म में काम करने से ही मना कर दिया।
और इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ इनकी दो और फिल्मों की जो डील थी वो भी इनके साथ पूरी नहीं हो सकी और इनको उन फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी सोनाली ने कुछ और फिल्मों में काम किया, जैसे कि लव के लिए कुछ भी करेगा, तेरा मेरा साथ रहे, प्यार किया नहीं जाता और लज्जा आदि। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना। लेकिन इन फिल्मों में इनका रोल या तो बहुत छोटा रहा या फिर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। बॉलीवुड में फिल्में न चलता देख इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और वहां कई फिल्में की, जैसे इंदिरा, खदगम, शंकर दादा MBBS, मनम धुदु आदि। अब बात करते हैं इनके जीवन की उन बातों की जिन्हें आप शायद कम ही जानते होंगे। सोनाली ने अपने फिल्मी करियर में अजय देवगन, गोविंदा, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया। मेरे महबूब, मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी। लेकिन इन्होंने सुनील शेट्टी के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की और इन दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। जानकार बताते हैं कि इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आए और प्यार कर बैठे। सोनाली सुनील शेट्टी को बहुत पसंद करती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी। तू ऐसे क्यों नहीं करता? एक खूबसूरत जवान लड़की के साथ शादी क्यों नहीं कर लेता? हूँ शादी? कौन हम? हाँ, ना तू? अच्छा सा घर होगा। लेकिन सुनील शेट्टी पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी बीवी माना को तलाक देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो कुछ दिनों तक सोनाली ने उनका इंतजार किया, फिर दोनों अलग हो गए। इसमें दूसरा नाम आता है बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे का। हालांकि न तो कभी राज ठाकरे ने और न ही सोनाली बेंद्रे ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और न ही ऑफिशियली एक दूसरे के पार्टनर रहे। इन दोनों के प्यार में होने की खबरें अक्सर उड़ती रहती थीं। कहते हैं कि सोनाली बेंद्रे की पहली फिल्म आग देखकर ही राज ठाकरे उनके दीवाने हो गए थे। दोनों का प्यार जोर शोर से आगे बढ़ रहा था। दोनों की नजदीकियों का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब माइकल जैक्सन भारत में शो करने के लिए आए तो राज ठाकरे के साथ सोनाली बेंद्रे ही एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पहुंची थी। पॉप स्टार को रिसीव करने के लिए ठाकरे और सोनाली ट्रेडिशनल लुक में पहुंचे थे। राज ठाकरे ने जहां कुर्ता पायजामा के साथ नेहरू जैकेट पहना था, वहीं सोनाली ने मराठी साड़ी पहन रखी थी और बालों में गजरा लगाया हुआ था। उस दिन की तस्वीरों और वीडियो फुटेज ने उस दौर में खूब सनसनी मचाई थी। जानकारों की माने तो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सुनील शेट्टी की ही तरह राज ठाकरे भी पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में जब दोनों के प्यार की भनक बाल ठाकरे को लगी तो उन्होंने राज ठाकरे को सोनाली से शादी करने से साफ मना कर दिया। ऐसी खबरें रहीं कि बाल ठाकरे ने राज ठाकरे को सोनाली से दूरी बनाने को भी कह दिया था। उन्होंने राज ठाकरे को समझाया कि अगर वो शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करते हैं तो उनकी छवि पर इसका बुरा असर पड़ेगा, राजनीतिक भविष्य के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। इसके बाद राज ठाकरे सोनाली के साथ शादी के फैसले से पीछे हट गए थे और सोनाली एक बार फिर अकेली रह गईं। अगर बात करें सोनाली के दीवानों की तो इसमें दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज माने जाने वाले शोएब अख्तर भी शामिल रहे। कहा जाता है कि शोएब अख्तर सोनाली बेंद्रे को दिलो जान से चाहते थे। शोएब अख्तर के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने वाले खिलाड़ियों ने उनके पर्स में काफी बार सोनाली की तस्वीरें भी देखी थीं। एक इंटरव्यू के दौरान शोएब अख्तर ने ये एक्सेप्ट किया था कि वो सोनाली को बेहद पसंद करते हैं। शोएब ने उस इंटरव्यू में कहा था कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान ही उनकी मुलाकात सोनाली से हुई थी, जिसके बाद ये उन्हें पसंद करने लगे। इन्होंने आगे इंटरव्यू में बताया, मैं सोनाली बेंद्रे को प्रपोज करना चाहता हूँ, और मजाक में ये भी कहा कि अगर सोनाली ने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो ये उन्हें किडनैप कर लेंगे। हालांकि शोएब का ये प्यार एक तरफा ही रह गया, सोनाली और शोएब अख्तर की फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसके कारण सोनाली को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। बात है साल 1998 की, जब फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण के अवैध शिकार की बात सामने आई। कहा गया कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया। काला हिरण एक लुप्त प्राय प्रजाति है और भारतीय वन्य जीव अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत उसे सुरक्षित किया गया है।
फिल्म में कई कलाकारों पर शिकार में सलमान का साथ देने का आरोप लगा, जिसके लिए सोनाली को भी सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। हालांकि बाद में सलमान खान को 5 साल की सजा हुई और बाकी के कलाकारों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अब बात करते हैं इनसे जुड़े एक और विवाद की। ये मामला मार्च 1998 का है और उस समय एक शो टाइम नाम की मैगजीन आती थी। इसी मैगजीन के लिए अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने कवर फोटोशूट किया था। सोनाली ने इस शूट में ड्रेस डिजाइनर एशले चार्ल्स रेबेलो की डिजाइन की हुई एक ड्रेस पहनी थी। ये एक लेमन येलो कलर का शॉर्ट कुर्ता था जिसमें जगह जगह ओम नमः शिवाय का प्रिंट था। मैगजीन प्रकाशित होते ही कुछ लोगों ने सोनाली बेंद्रे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। मामले में लोगों ने शिकायत में सोनाली की फोटो को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि ये तस्वीर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। फिर सोनाली समेत 3 अन्य पर कथित तौर पर अश्लीलता परोसने का आरोप लगा। इसके बाद 27 मार्च 2001 को सोनाली फोटोग्राफर अमित कुमार अशर और ड्रेस डिजाइनर एशले चार्ल्स रेबेलो को अरेस्ट कर लिया गया। तीनों पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर इंडियन पेनल कोड आईपीसी के सेक्शन 295A के तहत चार्ज लगाया गया था। हालांकि बाद में 12,000 रुपए की मामूली रकम चुकाकर ये बेल पर छूट गईं। लेकिन इस घटनाक्रम ने इन्हें ये सबक जरूर दे दिया कि भविष्य में ऐसा कोई प्रयोग ना करें। अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की, तो साल 2002 में इन्होंने फिल्म निर्माता गोल्डी बहल से शादी की थी, जो कि फेमस फिल्म निर्देशक रमेश बहल के बेटे थे। इन दोनों की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं रही। चलिए बताते हैं, दोनों की पहली मुलाकात साल 1994 में आई फिल्म नाराज के सेट पर हुई थी। पहली नजर में ही गोल्डी को सोनाली से प्यार हो गया था। गोल्डी सोनाली से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए महेश भट्ट के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। साल 1998 में आई फिल्म अंगारे, जिसे महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे थे, इसमें सोनाली भी काम कर रही थी। एक तरफा प्यार होने के कारण गोल्डी ने जब सोनाली को तब प्रपोज किया तो सोनाली ने मना कर दिया, लेकिन गोल्डी ने हार नहीं मानी। इन दोनों के प्यार को परवान चढ़ाने में अहम किरदार निभाया अभिषेक बच्चन ने, जो कि गोल्डी के अच्छे दोस्त थे। इस बात का खुलासा खुद अभिषेक बच्चन ने डांस इंडिया डांस के टीवी शो पर किया था। मेजर साहब की शूटिंग के दौरान गोल्डी बहल अभिषेक बच्चन से मिलने फिल्म के सेट पर अक्सर जाया करते थे, जो कि अपने पिता के साथ फिल्म की शूटिंग देखने जाते थे। वहां पर सोनाली भी मौजूद होती थीं और गोल्डी अभिषेक से इन्हीं के बारे में बात किया करते थे और यहीं पर दोनों एक दूसरे के करीब आए, फिर साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाने लगे। इसी दौरान हुई बातों से सोनाली को गोल्डी भी अच्छी लगने लगी और फिर एक बार अभिषेक बच्चन की ही एक पार्टी में गोल्डी ने सबके सामने घुटनों के बल बैठकर सोनाली को प्रपोज कर डाला और सोनाली भी इस बार इन्हें मना नहीं कर पाई और मान गईं। करीब 4 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 12 नवंबर 2002 में एक दूसरे से शादी कर ली। साल 2005 में इन दोनों को एक बेटा हुआ, जिसका नाम रणवीर रखा गया। शादी के बाद इन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गईं। एक बार ये फिर सुर्खियों में तब आई जब साल 2018 में इन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सबको बताया कि इन्हें कैंसर हो गया है। इन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, हाल ही में जांच के बाद मुझे ये पता चला है कि मुझे हाई ग्रेड मेटास्टेटिस कैंसर है। इसका अंदाजा मुझे कभी नहीं था। लगातार होने वाले दर्द के बाद मैंने अपनी जांच करवाई, जिसके बाद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। सोनाली ने इसके साथ ही अपने परिवार के साथ होने की भी बात कही और लिखा, इस घड़ी में मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और हर संभव तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं। मैं उन सबकी शुक्रगुजार हूं और खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं। मैं फिलहाल न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रही हूं। हालांकि साल 2019 में सोनाली ने इस जानलेवा बीमारी को मात दे दी और इन्हें कैंसर फ्री घोषित कर दिया गया। एक इंटरव्यू के दौरान सोनाली ने बताया कि जब ये इलाज के लिए न्यूयॉर्क पहुंची तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनके बचने के सिर्फ 30% ही चांसेस थे। सोनाली बेंद्रे ने आगे कहा कि मैं इलाज के लिए न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहती थी, मेरे पति चाहते थे कि हम न्यूयॉर्क जाएं। इसे लेकर मैंने फ्लाइट में उनसे लड़ाई की। मैंने उनसे कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहां पर भी अच्छे डॉक्टर हैं, आप मुझे वहां क्यों लेकर जा रहे हैं। जब वो नहीं माने तो इसके बाद हम सब घर परिवार छोड़कर लगेज पैक करके निकल गए। उस वक्त मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। अगर बात करें छोटे पर्दे की, तो सोनाली ने साल 2001 में
क्या मस्ती क्या धूम नाम के रियलिटी शो को होस्ट किया था और इसके बाद ये कई रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आती रहीं। ये शोज रहे मिस्टर एंड मिसेस टेलीविजन, इंडियन आइडल सीजन 4, इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 1 और 3, हिंदुस्तान के हुनरबाज आदि। जय, आई थॉट यू वर फैंटास्टिक। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत एनर्जी थी, आप बहुत ग्रेसफुल भी थे और आपके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे। आई एम रियली टोटली फ्लॉड। कैंसर फ्री होने के बाद ये दोबारा साल 2022 में फिल्म लव यू हमेशा में अक्षय खन्ना के साथ नजर आई। इसी साल सोनाली डीआईडी लिटिल मास्टर में भी बतौर जज दिखी थी। कुछ भी बोलने से पहले मेरा रिएक्शन है जिप जैप जूम। इसी दौरान ये Z5 OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज द ब्रोकन कई सोशल इवेंट्स में हिस्सा लेती हैं और अपनी कैंसर से लड़ने की जंग का भी एक्सपीरियंस शेयर करती हुई दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी समय समय पर साझा करती रहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही अपने काम से दर्शकों का मनोरंजन करती रहें। सोनाली बेंद्रे जैसी सशक्त और मेहनती एक्ट्रेस आगे भी अपने करियर में ऐसे ही सफलतापूर्वक काम करती रहें और महिलाओं के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। इन्हीं विशेष के साथ आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और यूट्यूब के थैंक्स बटन के जरिए हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।